अमर ज्योति चैनल, मैं आपके साथ प्रियंका। रायसनगर से हमारे संवाददाता रामस्वरूप नायक ने बताया। रायसनगर में आज 17वां दिन भी लॉकडाउन के तहत पूर्णतः बंद रहा। वहीं फल सब्जी किराना की दुकानें खुली रही। पुलिस प्रशासन दिखा मुस्तैद, अनेक वाहनों के काटे गए चालान। बाजार में घुसने पर पूर्णतया पाबंदी। वहीं पुलिस द्वारा धारा 144 के उल्लंघन करने पर 12 व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज। हनुमान जयंती पर मंदिर में कर रहे थे पूजा अर्चना, महेश पेड़ीवाल व अन्य व्यक्तियों पर हुआ मुकदमा दर्ज। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई। वहीं आज अनूपगढ़ ज्योति टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों का भी दौरा किया। ग्राम पंचायत मोखमवाला में ग्रामीणों द्वारा ग्राम के चारों ओर लगाए गए बैरिकेड, सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है निगरानी। बाहरी व्यक्ति को पूछताछ करने पर ही गांव में आने दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत बगीचा में गरीब मजदूर के घर नहीं पहुंच रही कोई सहायता। ग्रामीणों ने लगाया आरोप, हमारे घर पर नहीं है राशन। वहीं भोमपुरा पंचायत कंट्रोल रूम प्रभारी रोशन लाल नहीं पहुंचे। लगभग 6-7 दिनों से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते दिखे। ग्राम विकास अधिकारी से पूछने पर जरूरी काम का कहकर पल्ला झाड़ा। पूर्व विधायक दौलतराज द्वारा लंगर व्यवस्था है चालू। लगभग 600 से 700 व्यक्तियों का रोजाना खाना बनाया जाता है, जिसको बेरीवाला बाग व वार्ड नंबर 6, 7, 8 व 16 में वितरित किया। नमस्कार, अभी हम रायसनगर के बस स्टैंड के पास हैं। आप देख सकते हैं, इधर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है। जो अभी बैरिकेड्स लगाकर बाजार में आने जाने वालों को रोका जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों द्वारा भी और पेट्रोल पंप चौराया जिस पे खड़े हैं, जहां मैं कैमरामैन से कहूंगा तो बैरिकेड्स दिखाए। पुलिस प्रशासन ने पूरा मुस्तैद है, बैरिकेड्स लगाकर और रास्ता जाम कर मोटरसाइकिल वालों को साइड में रोका जा रहा है। वहीं एक और लोगों की भीड़ भी आज देखने को मिल रही है, बैरिकेड्स लगाए हुए। मैं साथी पुलिस कर्मी से बात करना चाहूँगा कि वो बताए क्या। मैं ऐसे पब्लिक से बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे साथ दिया, पब्लिक के साथ, आप पब्लिक के साथ, यहाँ पुलिस स्टाफ, सभी भाइयों बंधुओं ने जो हमारा पूरा साथ दिया, तहे दिल से धन्यवाद। ताकि इनके सहयोग से ही हम कोरोना मुक्त हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारे ग्राम पंचायत बगीचा में 22 जो पात्र परिवार थे उनके लिए राशन की किटें आई थी। जो 22 की 22 किटें हैं पात्र परिवारों को वितरण कर दी गई है। इसके अलावा जो भी कोई पात्र परिवार है या जो मान लें जिसके पास अनाज की कमी है तो उसको मान लें द्वारा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उनका भी सर्वे हो रहा है, जो भी मान लें अभी तक कोई पात्र रहे बंदा रह रहा है तो उसका भी मान लें राशन है या किट है, जैसे भी उनकी व्यवस्था है, बिल्कुल हर संभव प्रयास किया जाएगा और उनको मान लें भूख से किसी को मरने नहीं दिया जाएगा। नहीं सर, अभी 10-12 घरों में हम जाके हैं, हमारे पास रिपोर्ट भी है इस चीज़ की। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी अभी ऐसी सुविधा भी नहीं है जो हम बाहर कमाई करके भी ला सकते हैं उनके पास। आप क्या, तो सर उसके लिए यही है कि वो आज हम उनके नाम नोट कर लेंगे और जब भी मान लें उनको बिल्कुल जल्दी से जल्दी मान लें उनको जो है राहत प्रदान की जाएगी, इसके लिए यही है। धन्यवाद। मैं किसान कामगार मोर्चा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मलकीत सिंह औलख राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं कि जो रबी की फसल जैसे जौ, सरसों, गेहूं, चना आदि की जो सरकारी खरीद है वो उसको पुनः शुरू करवाकर किसानों को राहत दी जाए, और जो रजिस्ट्रेशन बंद हुआ है कोरोना वायरस के चलते उसको शुरू कर किसानों को राहत दी जाए। लोगों गरीब ऐसा लोगों किट वितरित किए अभी तक हमें, हमारे इलाके में लगभग पहले मजदूरी चल रही थी उसको देखा हुआ बीएलओ ने सर्वे किया उस हिसाब से एक बंदा सामने आया जो बीमारी से पहले ग्रस्त था। अच्छा। तो उसको अभी हमने किट पहुंचा दी है। नहीं, आप आगे जो आगे उनका सर्वे चल रहा है बीएलओ का, जैसे भी मतलब अभी सामने आ रहे हैं 2-3 जैसे भी जरूरतमंद लोग होंगे उनको जरूर किट पहुंचाएंगे। और हम हाँ, आज फिर हम उसी ग्राम पंचायत बगीचा में हैं जहां एक और गरीब महिला जिसके घर में खाने तक आटा तो छोड़ो दाना तक नहीं है। एक मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि इस मैडम माता को दिखाए और इसका घर दिखाए। ये मैडम आटा कहाँ रखा है? सुबह पेटी में पड़े देखिए। ये है किलो या 2 किलो आटा होगा और मैं माता से पूछना चाहूँगा
कि माता अभी तक आपको क्या कोई सुविधा वगैरह मिली? हाँ माता जी, आपको कोई सुविधा या वगैरह मिली? कोई कोई नहीं मिली है जी। की नहीं, आपके घर आटा कितना है? आपको कणक गेहूँ मिलती है? 5 किलो। 5 किलो? 5 किलो आवे महीने की। महीने की 5 किलो? महीने 5 किलो से सरेगा नहीं? कौन सरेगा? और कोई आपके कमाने वाला वगैरह? कोई नहीं कमाने वाला आदमी, कोई नहीं। हाँ छोरो न्यारो है आपको? अच्छा, कोई को नहीं है अभी तक। कोई आपने सरपंच से या किसी से पूछा भी राशन के बारे में? की को पूछा बच्चा नहीं। हाँ की को क्यों मना है? अच्छा नहीं, आप गए थे? कोई नहीं गया, एक दिन गई। हाँ वाग थार कोटो को नहीं आयो नहीं। अच्छा सुकून गई नहीं तो वो पंचायत समिति से जो राशन आया इन्होंने राशन जा गया ही मैं मन कह तेरो को नहीं आई रुके। अच्छा हाँ सारो गांव ने पूछ लियो भलाई मैं विधवा लुगाई हूँ मेरे कोई को छोरा न्यारा मेरा। आपका नाम क्या है? भागो। भागो देवी? हाँ भागो देवी। ठीक है, ग्राम पंचायत में है। आज हम उस गरीब घर के घर आए हैं जिसके घर में अभी तक 2 या 3 किलो आटा ही पड़ा है और कोई सामान नहीं है। मैं इस माता से पूछना चाहूँगा कि आपको अभी तक कोई सरकारी सुविधा या वैसी जो अन्नपूर्णा किट है वगैरह मिली या नहीं मिली? नहीं मिली, कौन मिली? नहीं नहीं मिली, नहीं मिली अभी तक। अच्छा कोई तो आटा कितना का है? कोई सामान और वगैरह आपको पास? सा मीठो कोनी, लून मिर्च कोनी, आटो देते देख लियो 5-9-8-10 किलो पड़िया कणक मिली 1 तारीख की। अच्छा इतो ही सामान है देख लियो। चल, एक सर मोटो बो दिहाड़ी मोहनगढ़ बोल बेचारे बटे बैठे है दिहाड़ी करके कोई 50 को सके और एक है वो की पड़ेड़ो है जो ओ जाए कोई 100-50 लियावे 2 दिन हो जाए 3 दिन। अब आज चा मिठा ही कौन 2 दिन है तो मैं यहीं बैठा। तो आपको अभी तक कोई राशन वगैरह या कोई किट मिली है? नहीं, है? नहीं मिली। जोर से बोले नहीं मिली। नहीं मिली। कितने बच्चे है आपके? 2। और आटा कितना का है आपके घर? राशन कितना का है? 1 किलो का। 1 किलो का आटा है? चलो ठीक है सर। ये बच्चे हैं इनके छोटे छोटे, अभी तक इनको कोई ग्राम पंचायत या कोई प्रशासन से कोई भी सुविधा नहीं मिली है और लॉकडाउन के तहत ये इस कगार पे है कि भूख मरने की कगार पे। मैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सावित्री देवी। आप वार्ड पंच हो? हाँ जी। क्या आपसे सरपंच ने या ग्राम विकास अधिकारी ने पूछा भी या मेरे वार्ड पंच वार्ड में जो कितने ऐसा गरीब लोग रह रहे हैं? नहीं जी नहीं पूछा। नहीं पूछा।